And today we are going to discuss chapter transfer of heat. What is transfer of heat? Heat ka flow karna from one place to another. That is transfer from one place to another. And how it flows? See, heat is a form of energy that flows from hot object to cold object. हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट फ्लो करेगी, कभी भी कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं. दैट इज हॉट टू कोल्ड. नाउ वी विल स्टडी सम एग्जांपल्स अबाउट दिस. व्हाई स्टीमिंग कप ऑफ कॉफी गेट्स कोल्ड. यू विल सी, अगर आप कॉफी को 5-10 मिनट्स के लिए टेबल पर रखते हो, व्हाट विल यू सी आफ्टर 5-10 मिनट्स? यू सी कि आपकी कॉफी कोल्ड हो जाती है. व्हाई इट हैपेंस सो? बिकॉज कॉफी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एटमोसफेयर. आपके आसपास का जो एटमोसफेयर है वो उसके कॉन्टैक्ट में आ रही है. उसके कॉन्टैक्ट में आने से क्या हो रहा है? जो आपका एटमोसफेयर है वो लो टेम्परेचर में है एज कम्पेयर टू योर कॉफी. लो टेम्परेचर कॉफी क्या है? कॉफी जो है वो हायर टेम्परेचर में है क्योंकि वो ज़्यादा हीटेड है. और हमने क्या पढ़ा कि हीट क्या है? हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी. तो आपकी कॉफी किस तरह से कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर पे जाएगी क्योंकि कॉफी आपकी हॉट है और एटमॉस्फेयर आपका एज कम्पेयर टू कोल्ड है. हीट फ्लो करती है हॉट से कोल्ड. इसलिए क्या होगा, जो आपकी कॉफी की हीटनेस है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और आपकी कॉफी जो है विद इन 5-10 मिनट्स कोल्ड हो जाएगी. सेम ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आप जो बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक है वो क्यों वार्म हो जाती है. अभी तो हमने देखा कि जो कॉफी थी वो हॉट थी, वो कोल्ड हो गई. अब अगर हम फ्रीजर से कोल्ड ड्रिंक बाहर रखते हैं टेबल पे, आफ्टर 5-10 मिनट्स वो भी क्या होता है, वो वार्म हो जाती है. अब उसके अपोजिट हो रहा है. व्हाई इट हैपेंस सो? सिमिलर केस है. कोल्ड ड्रिंक जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रही है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रही है. तो एटमॉस्फेयर अब क्या है एज कम्पेयर टू कोल्ड ड्रिंक? आपकी कोल्ड ड्रिंक अब लोअर टेम्परेचर पे है क्योंकि वो इतनी हीटेड नहीं है. इट इज दैट लोअर टेम्परेचर. और जो आपका एटमोसफेयर है, एटमोसफेयर अब हायर टेम्परेचर में है क्योंकि वो मोर हीटेड है एज कम्पेयर टू योर कोल्ड ड्रिंक. क्योंकि कोल्ड ड्रिंक को अभी फ्रीजर से निकाले, उसका टेम्परेचर बहुत लो है. तो अब हीट कैसे फ्लो करती है? लोअर टेम्परेचर तो ये कोल्ड है, एटमोसफेयर आपका हॉट है. तो हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी. तो हीट अगर आपके एटमोसफेयर से कोल्ड ड्रिंक की तरफ जा रही है तो आपकी कोल्ड ड्रिंक क्या हो रही है? कोल्ड ड्रिंक वार्म हो रही है. That's why कोल्डिंग वॉर्म हो जाती है. नेक्स्ट सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल. आप अगर स्पून को आप अपने यूटेंसिल के पास लेके आते हो जिसमें आप फूड प्रिपेयर कर रहे हो, वो स्पून अभी कोल्ड है. लेकिन अगर आप उस यूटेंसिल में उसे रखते हो, उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर वो स्पून आती है तो क्या होता है? वो स्पून जो है वो हीट हो जाती है, हॉट हो जाती है एंड हम उसे टच नहीं कर पाते. सिमिलरली कैसे? क्योंकि जो आपकी स्पून है वो कोल्ड है और जो आपका वेसल है, हॉट वेसल है जिसमें फूड प्रिपेयर हो रहा है, वो हॉट है. हीट कैसे फ्लो करेगी? हॉट से कोल्ड में फ्लो करेगी. तो आपकी जो स्पून है वो क्या हो जाएगी? वो वार्म हो जाएगी. दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू टच स्पून आफ्टर 2-3 मिनट्स. नाउ अब हमने पढ़ लिया एग्जांपल्स की ट्रांसफर हीट का कैसे होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसफर. हैव थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट. देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. अब इंटरनली हमारी हीट कैसे ट्रांसफर होती है अब हम वो देखेंगे. फर्स्ट बाय कंडक्शन, नेक्स्ट वी हैव कन्वेक्शन, देन वी हैव रेडिएशन. वी विल डिस्कस इट बाय वन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन. नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्शन. फर्स्ट मेथड ट्रांसफर ऑफ हीट का क्या है? कंडक्शन. अब कंडक्शन किसमें होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर इन सॉलिड्स. सॉलिड्स में जब हीट हमारी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफर हो रही है उसे हम कंडक्शन कहते हैं. अब सॉलिड्स में कैसे हीट ट्रांसफर होती है? वी ऑल नो कि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत टाइटली पैक होते हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, तो वो पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते. पार्टिकल्स और सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक. ऑल पार्टिकल्स जो है वो हीट कैसे ट्रांसफर होगी? वाइब्रेशंस के थ्रू. इसके पार्टिकल्स नहीं मूव करेंगे अपनी जगह से. क्या होगा, जब हम इसे हीट देंगे तो हीट देने से इस वाले पार्टिकल में वाइब्रेशन हुई, इस वाइब्रेशन के कॉन्टेक्ट में आने से दूसरे वाले पार्टिकल में वाइब्रेशन हुई. नेक्स्ट जब हीट हम देते रहेंगे वाइब्रेशंस,
होती रहेगी, एक पार्टिकल से दूसरे में वाइब्रेशन जा रही है, फिर ऐसे वाइब्रेशन करते करते उसके एंड पॉइंट पे वाइब्रेशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगी। इसमें एक्चुअल में पार्टिकल्स मूव नहीं करते, सिर्फ वाइब्रेशन के थ्रू हीट, अगर यहाँ थी नाउ हीट यहाँ आ गई, ऐसे पार्टिकल्स में हीट ट्रांसफर हो रही है। नाउ जब हीट हम ऐसे दूसरे एक जगह से दूसरे जगह में वाइब्रेशन के थ्रू लेके जा रहे हैं, अब कंडक्शन की भी कुछ कंडीशंस होती है। कंडक्शन कैसे हो सकता है, इसके लिए दो कंडीशंस है। सबसे पहले जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए दो बॉडीज के बीच में, जैसे अब हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, अगर आप एक यूटेंसिल में फूड प्रिपेयर कर रहे हो, उसके पास स्पून लेके आ रहे हो, वो स्पून अभी कोल्ड है और जो आपका यूटेंसिल है वो हॉट है, तो मतलब दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, एक हॉट है एक कोल्ड है। या जो आपकी एक ही सेम बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल आपने आयरन की रोड है, आयरन की रोड में अभी ये वाला एरिया हीटेड है और अभी ये कोल्ड है, तो ये सेम बॉडी के बीच में भी टेम्परेचर डिफरेंस है, तो दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर टेकिंग कंडक्शन टेक प्लेस। नाउ दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, वो दोनों एक दूसरे के टच में होने चाहिए, जैसे हमने अब पढ़ा था सराउंडिंग्स एंड कॉफी, वो दोनों एक दूसरे के टच में थी। सेम ऐसे यूटेंसिल और स्पून अगर हम इकट्ठे रख रहे हैं, वो एक दूसरे से टच कर रहे हैं, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ये कंडीशंस नेसेसरी है कंडक्शन होने के लिए। ऐसे हमारा कंडक्शन वाइब्रेशंस के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, दैट इज ऑल अबाउट कंडक्शन। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, क्योंकि कंडक्शन में भी कहीं जो एल्यूमिनियम वगैरह उससे हीट ट्रांसफर इजीली हो जाती है, कुछ मटेरियल्स ऐसे जिससे हम इजीली हीट नहीं ट्रांसफर कर सकते। अब हम उसे पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से कंडक्टर्स हैं। नाउ हमने कंडक्शन पढ़ी, कंडक्शन में गुड कंडक्टर्स होते हैं बैड कंडक्टर्स। नाउ फर्स्ट वी हैव गुड कंडक्टर्स। अब गुड कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जो हीट को अपने इजीली थ्रू देम पास इजीली थ्रू देम इससे हीट इजीली पास हो जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल कॉपर गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम आयरन, इन सब से क्या होता है हीट इजीली ट्रांसफर हो जाती है। अगर आप आयरन को एकदम फायर या फायर के आगे रखोगे, आप क्या देखोगे कि आपका जो वन ए आयरन का फर्स्ट पार्ट जो है ये हीटेड है, तो विद इन अ मिनट ये वाला पार्ट भी इजीली हीटेड हो जाएगा, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब इनके यूजेस क्या है, अगर ये गुड कंडक्टर्स है तो इनके कुछ यूजेस भी है। जैसे अब आपका जो स्टील कॉपर एल्यूमिनियम है वो किस लिए यूज किया जाता है, वो आपके कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज किया जाता है, क्योंकि आप अगर आप गैस बर्नर के ऊपर आपका पैन रखा है, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम पैन है, वो क्यों एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो हीट को ईजिली पास कर देगा अपने से, तो गैस के थ्रू जो उसके बॉटम से ईजिली जहाँ पे आप फूड ऊपर प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ तक हीट ईजिली पास हो जाएगी, इसलिए वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो आपके गुड कंडक्टर्स है वो इलेक्ट्रिक आयरन की बेस में भी यूज होते हैं, जो आपकी होम्स में आप इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हो उसमें क्या होता है, जो उसका बेस है वो हमेशा स्टील एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि हीट जो है वो इजिली ट्रांसफर हो सके, आपकी जो हीट है वो प्रेस से ट्रांसफर होके आपके क्लोथ्स तक पहुंचे और आपके क्लोथ्स अच्छे से प्रेस हो जाए। और आपके सोलर पाइप जो होते हैं उसे भी, वो भी गुड कंडक्टर्स के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के कॉपर या स्टील के बने होंगे। क्यों बने होंगे, ताकि जो सन की हीट है, सन से हीट आ रही है, वो क्या हो, वो इजिली पाइप्स के इंटरनल पार्ट पे पहुंच जाए और वो आप, दैट्स व्हाई दे आर ऑल मेड ऑफ गुड कंडक्टर्स। नाउ हमने पढ़ा था कि कुछ कंडक्टर्स ऐसे हैं जिनमें में से हीट इजिली हीट पास नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड बैड कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी वुड है, ब्रिक्स है, प्लास्टिक है, उसको क्या है, सारे वो बैड कंडक्टर्स है, वो हीट को अपने से पास नहीं करने देते। अब इनका यूसेज कहाँ कहाँ है, जो आपके हैंडल्स बने होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स हमने पढ़ लिया एल्यूमिनियम के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं, लेकिन जो उनके आपने हैंडल्स नोटिस करेंगे वो किसके बने होते हैं, वो हमेशा वुड के या प्लास्टिक के बने होते हैं या बेकलाइट के बने होते हैं। बेकलाइट क्या है, बेकलाइट भी क्या है, स्पार्कलिंग प्लास्टिक ही होता है। वो क्यों ऐसे बनाए जाते हैं, क्यों हमने पढ़ा है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जब हम यूटेंसिल्स उसके बनाएंगे तो क्या है, जब आप उस यूटेंसिल को हैंडल करोगे तो आपको हीट नहीं लगेगा, दैट्स व्हाई दे आर मेड अप ऑफ बैड कंडक्टर्स। जो आपके इलेक्ट्रिक आयरन्स है उसका बेस तो गुड कंडक्टर्स का बना होता है, लेकिन जिससे आप उसे हैंडल करते हो वो क्या होता है, वो किसका बना होता है, वो बैड कंडक्टर्स का बना होता है, वो प्लास्टिक का बना होता है।
ताकि जब आप उसे पकड़ो तो आपको वो हीट ना फील हो। नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट यूज है जैसे आपकी वूल है, वूल भी क्या होती है, बैक एंड अपर ऑफ हीट है। जब वूलन के क्लोथ्स यूज करते हो आप सोचते हो वो वॉर्म है, एक्चुअली में वो वॉर्म क्लोथ नहीं है, वो सिर्फ क्या है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। विंटर्स में वो क्या होता है, जो आपकी बॉडी वार्म है, इंटरनल वार्म है, वो उसे बाहर सराउंडिंग्स में ट्रांसफर नहीं करने देते, क्योंकि बैड कंडक्टर्स क्या है, वो हीट को ट्रांसफर नहीं करने देते। तो वूलन एज अ गारमेंट हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी वार्म को कोल्ड सराउंडिंग्स में नहीं जाने देंगे, इसीलिए हमें जब हम उन्हें वियर करते हैं हमें क्या होता है, कोल्ड नहीं लगती विंटर्स में। नाउ एक वन मोर यूसेज ऑफ इट, थर्माकोल्स यूज किए जाते हैं आइस क्यूब्स के लिए, टू कैरी आइस। आपने देखा होगा थर्माकोल्स के इतने इतने बॉक्सेस यूज होते हैं, अगर आपको ट्रैवलिंग में जाना है आप यूज करते हो, उसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स रख सकते हो, आइस रख सकते हो। जो आपकी कोल्ड ड्रिंक और आइस वो ऑलरेडी कोल्ड है, वो हीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि थर्माकोल बाहर सराउंडिंग्स की हीट को अंदर नहीं आने देगा, नहीं आने देगा, तो जो आपके आइस है वो क्या होगा, वो वॉर्म नहीं होगी और वो मेल्ट नहीं होगी। इसलिए आपकी कोल्ड ड्रिंक्स भी अगर आप उसमें रखते हो वो क्या होगा, वो ठंडी की ठंडी ही रहेगी। दिस इज ऑल अबाउट कंडक्शन, हमने कंडक्शन पढ़ लिया, उसमें गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स होते हैं वो भी पढ़ लिए। अब हम अपना नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफर पढ़ेंगे।